बड़नगर रोड स्थित उज्जैन खेड़ा हनुमान मंदिर पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ये मंदिर आस्था का केंद्र है। उज्जैन खेड़ा हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भी श्रद्धालु पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना की। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई और महाप्रसादी का वितरण किया गया। से मेरी हर मुराद पूरी होती गई है, तो मैं सपरिवार जब भी मुझे समय मिलता है मैं आता हूँ और बाबा के दर्शन करके और मन को शांति मिलती है। तो मुझे तो याद नहीं कि मैं कब से आ रहा हूँ, पर बड़ा मन को शांति मिलती है और इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा आता रहता हूँ। ये किस नाम से बाबा का मंदिर जाना जाता है और कैसा यहाँ पर क्या रहता है, आज किस प्रकार से पूजाएं होंगी और किस प्रकार से आप यहाँ पर शामिल होंगे? अब आज तो बाबा का प्रकट उत्सव है, तो सभी तरह की आज तो यहाँ पर पूजा होगी, शाम को भंडारा होगा, प्रसादी वितरण होगा। तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति को लगता है कि इस प्रसाद जो महाप्रसादी आज शाम को वितरित होगी उसमें शामिल होकर दर्शन लाभ कर महाप्रसादी प्राप्त करें ताकि पुण्य लाभ अर्जित हो सके। और आज हनुमान जी प्राकट्योत्सव के शुभ अवसर पर सुबह से श्री राम मारुति महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। पिछले दो वर्ष कोरोना के कारण 2020 और 21 में यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, लेकिन भगवान हनुमान जी जो संकट मोचक है उनकी कृपा से सारे संकट समाप्त हुए और इस बार पुनः श्री राम मारुति महायज्ञ और उसके बाद भंडारे का आयोजन यहाँ किया जाएगा। करीब किस प्रकार से कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और किस प्रकार से सबसे आस्था का केंद्र है मंदिर? यहाँ पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ सेवा करने आते हैं और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री रणछोड़दास जी महाराज की तपस्या होने के कारण उनके कई शिष्य पूरे उज्जैन से। वीरेन शर्मा की रिपोर्ट।